दोस्तों, आज हम एक्टिवा 5G का पिस्टन कंप्लीट चेंज करने वाले हैं। देखो, ये इसकी बॉडी है, चेसिस है गाड़ी की। ये गाड़ी हमने पूरा ओपन कर रखा है, तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये इंजन का लड़के लगे हुए हैं इंजन का पूरा क्लीन करने में। उसके बाद खोलेंगे पूरा, हड्डी वड्डी सारी इसकी जो बॉडी की होती है वो हमने निकाल दिया है। देख पा रहे हैं आप, और कितनी कंडीशन ख़राब है इसकी। सारे में सीलन इंजन में बहुत तगड़े वाला है। बस को ओपन करेंगे लड़के लोग, प्रॉपर क्लीन कर रहे हैं इसको, ताकि अंदर इंजन में मट्टी वट्टी ना घुस जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है इंजन। देख पा रहे हैं आप कितनी मट्टी, मतलब नीचे नीचे निकल रही है इसके अंदर से, क्योंकि सीलन की समस्या थी इसके अंदर बहुत ज़्यादा। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके गियर बॉक्स में भी कैसे सीलन आ रहा है इधर, तगड़े वाला। देख पा रहे हैं अभी कितनी मतलब खतरनाक वाली कंडीशन है। आप वीडियो में बने रहे दोस्तों, हम इसको प्रॉपर ओपन करके दिखाएंगे, फिर फिटिंग करने के बाद भी वीडियो बनाएंगे। और देख, आप वीडियो देखना प्रॉपर, कैसे लड़के हवा हवा मार रहे हैं प्रॉपर। पाना नहीं है क्या? मतलब खोल पड़ा हो जल्दी से। कोई आवाज नहीं है, पकड़ छोटे। दोस्तों, आप वीडियो को प्रॉपर देखना, और देख के आप सीख भी सकते हैं कि कैसे हेड को ओपन कर सकते हैं हम, और कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। आप वीडियो देखें, इंजन बांधने में तो बहुत आसान होता है ना, तो फिट करने में टाइम लगता है। ये बोला, ये बोला हो गया इंजन। देखो, सो हेड निकल गया, अब सिलेंडर की बारी है। फर्स्ट टाइम ही खुला है इंजन, देख पा रहे हैं आप कि ये अपना हेड है। ये अंदर जो दो लग रहे हैं ना आपके सामने दिख रहा है, ये इसको वाल बोलते हैं। ये वाल है, दोनों बड़े छोटे साइज़ के होते हैं वाल। यहाँ पिस्टन लगी हुई है इसके अंदर, जिन भाइयों को पता नहीं है पिस्टन क्या चीज़ होता है, ये होता है पिस्टन दोस्तों। ये पिस्टन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, और बहुत ज़्यादा स्मोक कर रही थी गाड़ी। दोस्तों, इसको सिलेंडर बोलते हैं। ये सिलेंडर है, चार होते हैं, दो नीचे दो ऊपर, पिस्टन निकाल लें। तो दोस्तों, कपड़े को लगा के ही ये पिन को निकालें, क्योंकि लॉक निकालने से क्या होता है, लॉक कभी कभी आउट होने की वजह से लॉक क्रैंक में गिर सकता है, तो ऐसा ना करें, सेफ्टी रखें अपने हाथ में। जैसे कि देखो, ये प्रॉपर खुल गया है।
बढ़िया कर गए। दोस्तों वीडियो बने रहे हैं, ये ओपन हो चुका है और हम फिटिंग करते समय आपको प्रॉपर वीडियो दिखाएंगे और आप वीडियो स्किप मत करना और देखना कि कैसे ये फिट होता है प्रॉपर चीज़। अभी फ़िलहाल तो ये ख़राब पे जाएगा और नए वॉल सील और पिस्टन चेंज करेंगे इसका, और ये ख़राब पे जाके फिर लैप होगा। लैप के बाद फिर हम वॉश करके इसको प्रॉपर फिटिंग करेंगे। वीडियो बने रहना दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कि मैंने एक्टिवा का इंजन खोला है हाफ इंजन पिस्टन के लिए, तो मैंने सारा सामान बिल्कुल क्लीन कर दिया, वॉश कर दिया पेट्रोल से। सब सामान कंप्लीट है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में, और सब जेन्युइन है। वॉल और पिस्टन भी ओरिजिनल कंपनी का, ये ऑयल की कीप है जो सब में लुब्रिकेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये पिस्टन बड़ा हुआ है, आप वीडियो में बने रहें, बिल्कुल प्रॉपर एक एक चीज़ क्लियर दिखाऊँगा, तो करीबी से और छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊँगा कि कैसे फिट होता है। आप वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना, गुजारिश आपसे है, क्योंकि आप एक एक चीज़ सीखेंगे पॉइंट वाली, कैसे फिट होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दोस्तों, ये ऑयल की कीप है कि हमने ये वॉश किया है पेट्रोल से, तो थोड़ा नए ऑयल से एक एक बूंद इसमें तेल डालें ताकि ये बैरिंग है ना, नहीं तो साउंड आवाज़ आ जाती इसमें से, तो नया तेल डालें पेट्रोल धोने के बाद, इससे फ्री रहता है ये सब चीज़ें। क्लियर नहीं आ रहा तो जैसे कर लेता हूँ, चुड़ी आ रही है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको वॉल फिट करना सिखाऊंगा प्रॉपर। देखो वीडियो में ना, ये मैं इस पिस्टन उस्टन को उठाता हूँ साइड में, ये वॉल का काम जो है वो करके दिखाता हूँ मैं आपको, पहले स्टेप बाय स्टेप। वो आपको क्लियर दिख रहा दोस्तों, नज़दीक देखना, मैं इसके अंदर ये जेन्युइन वॉल है कंपनी का, ये देख पा रहे हैं आप, ओरिजिनल है, जिसमें कि इसके अंदर वॉल सील भी निकलता है खुद का, इसके अंदर देख रहे दोस्तों, वॉल सील भी निकले ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं लगाऊंगा, वीडियो बने रहे आप। पहला स्टेप बाय क्या होता है कि हम जब फिट करते हैं तो एक साफ कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, जैसा मर्जी हो साफ कपड़ा। एक तो वॉश करने के बाद इसके जो फेस होता है ना, ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, क्लीन करने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले ये सिम होती है जो स्प्रिंग के नीचे लगेगा, ये वाला वॉल को जो लॉक करते हैं, ये सिम लगती है यहाँ पे सब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद वॉल सील लगेगी, इसमें थोड़ा लुब्रिकेंट करें ताकि प्रॉपर अच्छे से फिटिंग आ जाए। वीडियो दिख रहा है दोस्तों, ये वॉल सील आप इसको हाथ से दबा के प्रेस करके एकदम बढ़िया फिटिंग आ जाएगी। ये वाला हो गया, दूसरा देखें आप वीडियो में, दूसरा भी मैं करने जा रहा हूँ, वही सेम प्रोसीजर है। होल डालें इसको एक गुंद और इसको आराम से फिट कर दें। ये फिट हो गया, अब रह गया हमारा वॉल का काम। तो वॉल हमेशा देख लें, बड़ा बड़े की साइज़ में लगेगा, छोटा छोटे की साइज़ में लगेगा। इसमें बना हुआ है, ये बड़े वाला वॉल है, इसमें थोड़ा सा ऑयल जरूर लगाएं दोस्तों। उसके बाद इसको एजिटिव यहाँ डाल दें इसके सेंटर में, इधर लिया। उसके बाद एक छोटा सा कपड़ा लगाएं इसके नीचे, और इसके अंदर ये छोटे छोटे लॉक होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से रखें खो ना जाए, एक एक सामान का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों इस चीज़ में। और बहुत ईजिली है, इसको स्प्रिंग को लगाओ और इसको लगाओ। अगर वॉल पुलर है आपके पास तो आप वॉल पुलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास भी वॉल पुलर है, तो ये स्प्रिंग थोड़ा सॉफ्टली है तो हाथ से ही बढ़ जाता है, इसमें कोई वॉल पुलर का कोई सिस्टम नहीं है। अब हाथ से इसको बैठा सकते हैं, देख रहे हैं दोस्तों, मैं हाथ से बैठाऊँगा, थोड़ा सा
नाखून का प्रेस करना पड़ता है दोस्तों। देखो बैठ गया ना, तो वॉल पुलर भी है मेरे पास, ऐसी बात नहीं कि वॉल पुलर ना हो, मेरे पास सब कुछ है मेरे पास। उसके बाद दूसरा वाला वॉल लगा दूं स्प्रिंग और लॉक। दोस्तों ये ब्रेक वाली वीडियो है, एकदम एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, देखना जरूर। देखो ये लग गया है, इसको हम अंगूठे से ही बैठा देंगे प्रेस करके। देखो दोस्तों लग गया ना अंगूठे से। उसके बाद इसके जो मेन है ना, ये केम के अंदर मैंने होल डाल दिया। अब इसका रॉकर फिट करेंगे। रॉकर फिट करने का भी एक बहुत तगड़ा प्रोसीजर है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये किस साइड लगेगा, इधर लगेगा इधर लगेगा। सबसे जो इसमें ये सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसके अंदर भी ऑयल कर देता हूँ मैं एक बार, कि इसको पेट्रोल से वॉश किया है, रिमूव नहीं हो रहा, थोड़ा सा ऑयल कर देता हूँ उसको भी, ज़रूरी है इसमें ऑयल करना। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें कट है, हल्की सी कट है ना इसके अंदर, इसमें कोई कट नहीं है। तो ये कट वाला पोजीशन हमेशा इस साइड आएगा, इस दिशा में, ये हमेशा इस दिशा में आएगा ये वाला कट। तो इसको बिल्कुल ईजिली इसको ऐसे लगा दें, हाथ से चला जाएगा बहुत आसान तरीके से, और इसमें कोई भी कट नहीं है। तो ये हमेशा टाइमिंग चेन की दिशा में होगा। दोस्तों ये लग गया है, अब इन पेचकस की मदद से इसको प्रेस करके अंदर डाल दें पिन को। एक ये बिल्कुल सेट है, एकदम बढ़िया लग गया है, देख पा रहे हैं आप, ये फिट हो गया प्रॉपर तरीके से। और हमने वॉश भी अच्छे से किया, क्लीन करके आपको क्लियर दिख रहा होगा, एकदम सब कुछ एग्जेक्टिव लगा दिया। अब रही पिस्टन की, पिस्टन का नंबर, तो इसका काम तो ख़त्म हुआ दोस्तों। अभी फिटिंग के टाइम दिखाऊँगा मैं, फ़िलहाल इसको साइड में करता हूँ, क्योंकि अब इसका जो रोल है, इसका मेन रोल है, ये हमने क्लीन किया, देखो बिल्कुल बढ़िया वॉश किया, ऑयल नहीं लगाया, इसमें ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो लंबा ज़रूर होगा दोस्त, पर सही होगा, आप देखें ज़रूर वीडियो को, एक एक चीज़ बताऊंगा डिटेल में। अभी पिस्टन का जो प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूँ, पिस्टन कंपनी का है, उषा का ब्रांड है दोस्तों। पिस्टन का जो सिस्टम है मैं आपको पिस्टन का रिंग के बारे में बता रहा हूँ, वीडियो बने रहे, उषा का है। इस डब्बे के अंदर सब कुछ निकलता है पूरा कंप्लीट, लॉक इसके अंदर देखो, छोटे लॉक निकलते हैं, ये पिन निकलती है, ये रिंगें निकलती है इसके अंदर। तो मैं रिंग के बारे में बताऊंगा आपको, क्लियर जी। फिर दोस्तों पांच रिंग होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लगेगा ये, जिकम बने रहे। सबसे पहले ये वाली रिंग डलेगी, छोटी वाली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सब मैकेनिक का अलग अलग प्रोसीजर होता है रिंग बैठाने का, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और कोई बताता नहीं, पर प्रॉपर मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं किस तरह रिंग डालता हूँ उसके अंदर। दोस्तों एक रिंग तो यहाँ पे आ गया, ठीक
दोस्तों, दूसरा आएगा इधर। क्लियर आया दोस्तों नज़र? ठीक है, जो स्टील वाली है इयरिंग है ये हमेशा ऊपर की ओर लगेगा, इसमें लिखा भी होता है टॉप टू टॉप वन। अब इसको आप यहाँ लगाएं, ऐसे रिंग फिट करता हूँ मैं प्रॉपर, कंप्लीट हो चुका है। अब फिटिंग करेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ प्रॉपर। दोस्तों जो आपने वीडियो देखा, अब मैं फिटिंग के लिए तैयार हूँ, अब वीडियो में बने रहे, फिटिंग करके दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। और ये दोस्तों ये पैकिंग है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, जेन्युइन है। और ये इसका जो टॉप होता है टाइमिंग चैन का, ये मैग्नेट में एक लकीर होती है और चैम्बर में एक लकीर होती है, इससे पता लगता है कि हमारी गाड़ी एकदम बिल्कुल प्रॉपर टॉप पे है, इसका ध्यान रखें। और उस क्रैंक की भी जो डंडी होती है असेंबली, वो प्रॉपर ऊपर की ओर होता है, इससे मालूम पड़ जाता है कि हमारी गाड़ी टॉप पे है। तो हम सोच रहे हैं पहले पैकिंग इसमें इंजन में ही फिट कर दें, चैम्बर में। दोस्तों डावल है ना, डावल ये ज़रूर लगाएं। तो पिन आती है इसके ना, गर्दन पिन बोलते हैं इसको, फिट करने पहले एक बार चेक जरूर करें इसको, ऊपर ऊपर ओपन हो रहा है, लॉक है। दूसरे पिस्टन का दिशा जो है ना, ये बड़े वाली वाल हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, तो हम इसको लॉक यहाँ से करेंगे। ये दोस्तों ये लग गया, तो पहले हम तो वीडियो में बने रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों ये सेकंड वाला लॉक है, वो मैं लगा रहा हूँ, देखना आप वीडियो में। लॉक लगाने से पहले एक बार कपड़ा ज़रूर लगाएं, क्योंकि अंदर जाने का खतरा होता है, अंदर चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, तो इंजन ही पूरा ओपन करना पड़ सकता है। इससे पहले कोशिश करें
दोस्तों ये लॉक हो गया, ये मैंने जुगाड़ बना रखा लॉक का, पिन पे इससे अच्छा काम करता है लॉक के लिए। तो दोस्तों देखें आप, ऑयल ज़रूर लगाया था मैंने लगाने से पहले। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कैसे चला गया फट करके, फिलहाल हमारा जो टाइमिंग चेन का जो पिस्टन है प्रॉपर टॉप पे आप देख पा रहे हैं ऊपर है बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास एक ये चैन गाइड बोलते हैं इसको, जो चैन को हेल्प करता है टाइट करने में, और ये आवाज़ से भी साइलेंट करता है चैन। पैकिंग लगा रहा हूँ मैं, और यहाँ डबल मैंने फिट कर दिए, ये ऐसे लगेगा। मैं सोच रहा हूँ पहले इसमें भी एना बोर्ड लगा दूँ, कैसे सील लगा रहा खान देख सकते हो, तुम भी लगा सकते हो देख के, क्यों लीक नहीं होने चाहिए सील नहीं हो। ऐसे लग गए सब कुछ ज़्यादा नहीं है, डाल तो सब कुछ नया हो जाता है, कार दोस्तों ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, तो ये हेड रह गया, इसके बोर्ड लगाएंगे। दोस्तों ये देखो सारा काम कंप्लीट होने वाला है, बस ये फिट करेंगे टाइमिंग चेन का सिस्टम है। दोस्तों ये फिट हो गया है, हम इसमें बोर्ड लगाएंगे, बने रहे वीडियो में। दोस्तों ये जो हमारा बोल्ट है Thank you.
दोस्तों टाइमिंग चेन की बारी है। टाइमिंग चेन का आप देखें टॉप कैसे रहता है। ये हमारी गरारी है टाइमिंग चेन की, इस पर एक और दो नंबर लिखा होता है। ये निशान हमेशा सिलेंडर की दिशा में होनी चाहिए। दोस्तों सारा दोस्तों